Hey guys, welcome to Cooking and Vlog by Mannu. Guys, today I am going to make khasta kachori. Let's get started. First of all, please subscribe my channel and don't forget to press bell icon. यहाँ मैंने 800 ग्राम मैदा ली है, means 5 कप मैदा, और मैदा की मेजरमेंट मैंने इस कप की हेल्प से की है. अब इसमें 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे. सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें. अब इसमें 200 ग्राम ऑयल ऐड करेंगे. ये मैंने फॉर्चून ऑयल लिया है, आप इसमें देसी घी भी ऐड कर सकते हैं. अब हमें इन 3 इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से टुगेदर करना है. गाइस, आप देख सकते हैं डो अच्छे से टुगेदर हो गया है. जब हम इसे हाथ में लेंगे तो ये बाइंड हो जाएगा. अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके वाटर ऐड करेंगे. डो रेडी करने में 1 ग्लास वाटर कंप्लीट लगा है. गाइस, आप देख सकते हैं हमारा डो बन के रेडी हो गया है. गाइस, हमें इसे सेमी टाइट रखना है, ना ज़्यादा लूज रखना और ना ही ज़्यादा टाइट. अब हम इसे 15-20 मिनट साइड में रख देंगे. इतने हम अपनी स्टफिंग रेडी करते हैं. यहाँ मैंने 1 बिग स्पून कोरिएंडर लिया है, इसे मैंने क्रस्ट कर लिया. 1 बिग स्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये मैंने स्मॉल टीस्पून लिया है. 1 बिग टीस्पून फेनल मींस सौंफ, ये भी मैंने क्रस्ट कर ली है. 1 टीस्पून सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें बिकॉज हमने डो में भी ऐड किया है. 2 टीस्पून ग्रीन चिली और जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून क्यूमिन सीड, ये मैंने स्मॉल स्पून ली है. 1/2 टीस्पून हींग एंड लास्ट 4 टीस्पून बेसन. नाउ आई टेक अ वॉक. अब गैस फ्लेम ऑन कर दूंगी. यहाँ मैं 1/2 कप फॉर्चून ऑयल ऐड करूँगी. अब इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड कर दूँगी. यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम कर रखी है. अब इसमें हींग ऐड करूँगी. अब हमें हींग और क्यूमिन सीड्स को 3-4 सेकेंड्स सोटे करनी है. अब इसमें क्रस्ट कोरिएंडर ऐड करेंगे. अब इसमें क्रस्ट फेनल ऐड करेंगे. अब इसमें बेसन ऐड कर देंगे. गाइस, अगर आपने मेरी दही पापड़ी रेसिपी नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगी, आप वहां जाकर ज़रूर चेक करना. हमें बेसन में से स्ट्रॉन्ग स्मेल निकालनी है, इसलिए हमें इसे 2-3 मिनट्स तक अच्छे से रोस्ट करना है. ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है. अब हम इसमें ग्रीन चिली और जिंजर पेस्ट ऐड कर देंगे. पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे 1 मिनट तक रोस्ट करेंगे. हमें इसमें 1/1 सब स्पाइसेस ऐड करने हैं. यहाँ मैंने 250 ग्राम मूंग दाल ली है, इसे मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था. उसके बाद इसे 100% कुक कर ली. गाइस, ये कंपलसरी नहीं है कि आपको इसे बॉईल करके ही ऐड करनी है, आप इसे वॉश करके डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हो. अब हमें दाल और इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करने हैं. यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम कर रखी है, आप भी इसे मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करें.
मीडियम फ्लेम पर हमें इसे इसलिए रोस्ट करना है, जो भी दाल की स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है वो इसमें से निकल जाती है। आप देख सकते हैं दाल अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। इसे हमें ड्राई करनी है जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं, एग्जैक्ट ऐसे ही। मैंने दाल को अनदर वेसल में निकाल ली है। अब इसका रूम टेम्परेचर पर आने का वेट करेंगे। डो को रखे हुए 20 मिनट्स कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा डो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। अब मैं आपको बताती हूँ हमें इसकी लोई कैसे बनानी है। अब हमें क्या करना है, जैसे हम रोटी बनाने के लिए लोई लेते हैं एग्जैक्ट हमें वैसे ही लेनी है, और इसे हमें बॉल शेप दे देनी है। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको इसे कितनी बड़ी शेप देनी है या कितनी छोटी शेप देनी है। मैं खस्ता कचौरी मीडियम शेप की बनाऊंगी। अब हमें सेकंड स्टेप ये करना है, इसे हाथों से प्रेस करना है जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, एग्जैक्ट वैसे ही। गाइज हमें ये साइडों में से फ्लैट करना है, इसे बीच में से फ्लैट नहीं करना, बिकॉज आप इसमें जब स्टफिंग करोगे तो वो निकल जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो हमारी स्टफिंग है उसे हमें पेड़ी के अंदर ऐड करना है। यहाँ पर मैंने स्पून ली है, इसकी हेल्प से ईजली आप इसे ऐड कर सकते हो। फिर हमें नॉर्मली क्या करना है, जैसे आप पराठा बनाते हो ना एग्जैक्ट इसे वैसे ही करना है। इसे हमें चारों तरफ से अच्छे से ट्विस्ट करना है और इसे अंदर की साइड प्रेस करना है। आप अपने थंब से या फिंगर से प्रेस करते रहिए। स्टफिंग को हमें अंदर की तरफ लेना है और इसे हल्के हाथों से पिंच करते जाइए। हमें इसे अच्छे से सील करना है बिकॉज जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे जो भी इसमें स्टफिंग है वो फटे ना। जब ये बॉल बनके रेडी हो जाए तो हमें क्या करना है, इसे हमें हल्के हाथों से प्रेस करना है बिकॉज फीलिंग अंदर से मैनेज हो जाए। अब हम सारी कचौरी ऐसे ही रेडी कर लेंगे। अब हम कचौरियों को फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए हमें ऑयल ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए। आप देख रहे होंगे मैंने इसमें एक स्मॉल बॉल ऐड कर दी और ये ऊपर की साइड फ्लोट नहीं हो रही। ये एकदम परफेक्ट टेम्परेचर है कचौरी ऐड करने का। अब इसमें हम 1 by 1 करके कचौरी ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैंने स्लो फ्लेम कर रखी है। गाइज अब मैं एक एक करके कचौरियाँ ऐड कर दूँगी। आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे इसमें कचौरी ऐड की तो कचौरियाँ एकदम से ऊपर की तरफ नहीं आ रही हैं। इट मीन्स हमारा ऑयल का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट है। अगर हमारी कचौरी एकदम से ऊपर आ जाती हैं और हाई फ्लेम है तो आपकी कचौरियाँ कच्ची रह जाएंगी। आप देख सकते हैं एक साइड से हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसकी पोजीशन चेंज कर देंगे, इसे स्टर कर देंगे और मैंने यहाँ पे स्लो फ्लेम कर रखी है। यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम कर रखी है। जब आपको दिखेगा ना कि कचौरियों का कलर लाइट ब्राउन कलर का आ चुका है जैसे आपको वीडियो में दिख रहा है, तो आप इन्हें निकाल लेना और इन्हें रूम टेम्परेचर पर आने का वेट करना है। गाइस ये रूम टेम्परेचर पर आ चुकी हैं। मैंने यहाँ पे हाई फ्लेम कर रखी है। अब इसे ऑयल में ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट्स तक डीप फ्राई कर देंगे। गाइस ये दिवाली स्पेशल खस्ता कचौरी है, आप भी इसे दिवाली पर बनाएं और अपनी फैमिली के साथ इसे इंजॉय करें। खस्ता कचौरी बनके रेडी हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ ये कितनी क्रिस्पी बन रही है। आप देख सकते हैं ये कितनी क्विक एंड इंस्टेंट रेसिपी है। और मैंने खस्ता कचौरी के साथ आलू टमाटर की सब्जी बनाई है, इसकी रेसिपी भी मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। गाइस बाहर जैसी खस्ता कचौरी अब आप अपने घर में बनाएं। गाइस आप इसे खुद भी बनाएं, अपनी फैमिली में भी शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करना आपको मेरी खस्ता कचौरी रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।